पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देर आर 24 इक्वली स्पेस्ड पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दैट कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग सेट्स ऑफ 3 पॉइंट एज द वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कल है, सर्कल में 24 पॉइंट्स हैं, तो एक क्वार्टर में कितने पॉइंट्स होंगे? 6 पॉइंट, 6, 12, 18, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 24 पॉइंट्स हो गए। अब हमें इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि सभी साइड्स उसकी बराबर होती हैं। तो जो भी वर्टिसेस के पॉइंट हम लेंगे वो इक्व डिस्टेंट टू इच अदर होंगे। तो 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है? 8। तो जो पॉइंट होंगे वो एक दूसरे से 8 के डिफरेंस में होंगे। तो अगर पहला पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगला पॉइंट ये होगा, और उसके बाद अगला पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ होगा। तो पहला ट्रेंगल जो हमारा बनेगा वो बनेगा ये इक्विलेटरल ट्रेंगल। दूसरा ट्रेंगल अगले पॉइंट से बन सकता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। इसके बाद नौवा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फर्स्ट से कोइंसाइड कर जाएगा, इसीलिए कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं इसमें? 8। तो ऑप्शन से मैच करते हैं आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। फॉर अ स्पोर्ट्स मीट अ विनर्स स्टैंड कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक्स इज इन द फॉलोइंग फॉर्म। विनर स्टैंड के 3 ब्लॉक्स हैं ये। देर आर 6 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल टू चूज फ्रॉम एंड ईच ऑफ द 3 वुडन ब्लॉक इज टू बी पेंटेड सच दैट नो टू ऑफ देम हैज सेम कलर। किसी का भी कलर सेम नहीं है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द विनर स्टैंड कैन बी पेंटेड। 6 कलर्स हैं और हमें 3 स्टैंड के लिए चूज करना है। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि इसमें सीक्वेंस मैटर करता है, इसीलिए इसमें कॉम्बिनेशंस नहीं परम्यूटेशंस लगाएं। 6p3 दैट विल कम आउट टू बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 × 5 × 4, 120। इसको अगर हम बिना फॉर्मूले के करना चाहें तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं कि हमारे पास 3 स्टैंड हैं। पहले स्टैंड के लिए हमारे पास 6 कलर के ऑप्शन हैं, कोई कलर रिपीट नहीं होगा इसीलिए अगले के लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, और कलर रिपीट नहीं होंगे इसीलिए अगले के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। 6 × 5 × 4 यानी कि 120 हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। सपोज यू हैव सफिशियंट अमाउंट ऑफ रुपी करेंसी इन 3 डिनोमिनेशंस, ₹1, ₹10 एंड ₹50, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू पे अ बिल ऑफ 107। तो क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 3 डिनोमिनेशंस के रुपए हैं, 1 है, 10 है और 50 है। टोटल हमें 107 करने हैं। तो ये 100 से ऊपर जितने हैं वो तो 1 रुपए से ही कंप्लीट होंगे, लेकिन जो 100 है उसको हम कितने तरीकों से कर सकते हैं वो ऑप्शन हम अपने देखते हैं। 10 के नोट एक्चुअली हमारे पास कितने हो सकते हैं? हो सकता है ये हमारे 10 हो सकता है 9 हो, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 या फिर 1 भी नहीं। तो अगर 10 के नोट हमारे 6 से लेकर 10 हैं, यानी कि 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हैं हमारे पास, तो बाकी बचे हम 1 रुपए से ही पूरे कर पाएंगे, वही हमारे पास ऑप्शन बचेगा। अगर हमारे पास 10 से लेकर 50 हैं तो हम बाकी 50 रुपए 50 के नोट से भी कर सकते हैं या फिर 1 रुपए के सिक्कों से भी कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 10 का 1 भी नहीं है तो हमारे पास 2 तरीके हैं कि हम पूरे 107 रुपए 1 रुपए के पैसों से करें या फिर 100 रुपए 50 के नोट से प्लस बाकी के 7 रुपए 1 रुपए से। तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हो गए? 5 + 10 + 2 यानी कि 17। देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्मड विद द डिनोमिनेशन ऑफ ₹50, 100, 200, 500 एंड 2000 टेकिंग एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम। यानी कि हम 5 में से एटलीस्ट 3 को लेके कितने डिफरेंट टोटल सम बना सकते हैं? यानी कि हम 5 में से 3 को भी ले सकते हैं, 5 में से 4 को भी ले सकते हैं और 5 में से
पांचों को भी ले सकते हैं, लेकिन हम कॉम्बिनेशंस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सम निकालने के लिए उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। तो 5c3 आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस 5c4 आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, प्लस 5c5 आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 × 4 / 2 + 5 + 1 टोटल आएगा 16। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट फाइव लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीटिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई। डी से शुरू होना है, आई पे खत्म होना है, तो हम तीन लेटर्स की पोजीशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, ई एल एच, यानी कि 3 फैक्टोरियल, दैट विल बी 3 × 2 × 1, यानी कि 6। इसका आंसर आ जाएगा डी। 13th क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंजिक्यूटिव स्क्वायर्स बी चोजन ऑन द डायगोनल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। चेसबोर्ड 8 बाई 8 स्क्वायर्स का होता है, तो पहले एक चेसबोर्ड बनाते हैं, फिर हम पॉसिबिलिटीज देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और इसमें डायगोनल्स होंगे दो। तो डायगोनल्स के अलोंग हम 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को कितने तरीके से चूज कर सकते हैं? पहला हो सकता है ये, दूसरा ये, तीसरा हो सकता है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, चार हो गए, और फिफ्थ हो सकता है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हमारी बन रही है, जिन तरीकों से हम 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को डायगोनल्स के अलोंग चूज कर सकते हैं। तो 13th का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 6। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग 2, 2, 3, 3, 3 एज डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड। तो 30,000 से बड़ा नंबर है, यानी कि फर्स्ट डिजिट तो हमारा इन तीनों में से ही कोई हो सकता है, 3, और बचे 4 डिजिट। अब इन चार में से सेकंड प्लेस पर कोई चूज किया जा सकता है, फिर 3 बचेंगे, फिर 2, फिर 1, यानी कि हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी 3 × 4 × 3 × 2। लेकिन इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, 2 हमें 2 बार दिया हुआ है इसीलिए 2 फैक्टोरियल, 3 हमें 3 बार दिया हुआ है इसीलिए 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 आएगा, यानी कि 3 × 2 = 6। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? द लेटर्स ए बी सी डी ई आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड ई। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? तो ए और ई के बीच में 2 स्पेसेस हैं, इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है देखते हैं। ई पहले भी हो सकता है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें ए और ई के बीच में 2 लेटर्स का गैप हो सकता है, और बची 3 स्पेसेस में बी सी डी के लिए 3 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 4 × 3 × 2, यानी कि 24। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। ए बी एंड सी आर 3 प्लेसेस सच दैट देयर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी, 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी एंड 3 डिफरेंट रोड फ्रॉम ए टू सी। ए बी सी ये 3 प्लेसेस हैं। ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, बी से सी जाने के 4 रास्ते हैं, और ए से डायरेक्ट सी जाने के 3 रास्ते हैं। तो अगर हम ए से सी बी के थ्रू जाएं तो हम कितने तरीकों से जा सकते हैं? 3 × 4, और ए से सी डायरेक्ट जा रहे हैं तो 3 तरीकों से जा सकते हैं। तो टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे ए से सी तक जाने के? 15। ऑप्शन नंबर सी।